प्रणाम सुंदर साध जी। पिछली वीडियो में हमने श्री राश ग्रंथ के ठकुराणी जी के श्रृंगार में ठकुराणी जी ने पहने हुए आभूषणों की शोभा देखी थी, तो आज हम उनके हाथ से हाथों की शोभा और हाथों में आए आभूषणों की शोभा का वर्णन करेंगे। नीणी रेखा हथेलिए दिसे पहुँचा शोभित पतंग, आंगलिए बीसा बीस दिसे कोमल कलाई अति रंग। हथेली में बारीक रेखाएं दिखाई देती हैं, उनके हाथ के पहुँचे लाल रंग के शोभायमान है, अंगुलियों पर अंकित रेखाएं बीसों बीस दिखाई देती हैं तथा कलाई अत्यंत कोमल और कमनीय हैं। वीटी जड़ाव छे छ आंगलिये सातमी अंगूठी अतिसार, आंबलियों ने फरता पाना दर्पण मा मुख झलकार। कमल के समान दोनों हाथों की छह अंगुलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां धारण की हैं। सातवीं अंगूठी जो अंगूठे पर धारण की है वह अनुपम है। इस अंगूठियों में बीच बीच शीशे के छोटे टुकड़े तथा पन्ने जड़े हुए हैं। इन शीशों के टुकड़ों में श्री श्यामा जी की मुखाकृति चमक रही है। बेवीटी ने हीरा मोती बीजी बेरंग बेरतन, पांच रंगनी पांच एक ने करड़ा कंचन। प्रथम दो अंगूठियां हीरे और मोती की हैं, इसके बाद की दो में दो दो रंग के दो रत्न चमक रहे हैं। एक मुद्रिका में पांच रत्न जड़े हुए हैं, छठी में पांच रत्न जड़ा हुआ है। शेष दो अंगुलियों में सोने के छोटे छोटे कड़े हैं। मोची ने नवधरी दी से ऊपर ऊंचा नंग, माणिक मोती पाना कुंदन ए शोभा पहुँची नानंग। कलाई और नवधरी आभूषण सुंदर दिखाई देते हैं, उन पर ऊंचे ऊंचे रत्न जड़े हुए हैं। कलाई के आभूषण में माणिक्य मोती पन्ना और सोने में जड़े हुए रत्न शोभायमान हैं। नवधरी ने निर्मल मोती हीरा ने रतन, कुंदन माहे पाना पुखराज चूड़ माहे नव रंग। नवधरी आभूषण में निर्मल मोती हीरे और रत्न जड़े हुए हैं, सोने में पन्ना और पुखराज शोभा सुशोभित है, जबकि कलाई पर नौ रंग की चूड़ियां हैं। रंग नानंग जूझवा तेहना ते जूझवा रूप, हूँ मारी बुध सारू वर्णवू पण ए छे अद्भुत। ए नव रंग के रत्न भी अलग अलग रूप में जड़े हुए हैं, इसलिए उनका रूप भी अलग अलग दिखाई देता है। मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है, इसकी शोभा तो अत्यंत अनुपम है। नीलवी ने लसणिया शोभित पाना ने वली लाल, माणिक मोती हीरा कुंदन माहे रतन तना झलकार। इन चूड़ियों में नीलमणि और लसनिया के रत्न शोभायमान हैं और उनके साथ साथ पन्ने और लाल रत्न भी जड़े हुए हैं। माणिक मोती हीरा आदि रत्न सोने में जड़े हुए हैं, उनमें जड़े हुए अन्य रत्न भी झलक रहे हैं। कोणी आगल कांकड़ी जाबू जाम्बू रंग नंग जड़ाव, कुंदन ना कर करिया शोभे ज्योत करे अपार। कोहनी के पास कलाई पर
कंकनी नाम का आभूषण धारण किया हुआ है। इसमें जामुनी रंग के रत्न जड़े हुए हैं। सोने के छोटे छोटे सुंदर दानों के कारण इसकी ज्योति अपार दिखाई देती है। मोह लिए मोती ने कांगरी, नीली राती चोनी कुंदना, वेल माहे हीरा हार दीसे, इंद्रावती जुए दृढ़ मन। कोहनी के मोहरी पर मोती और कांगरी लगी हुई है। इसके ऊपर नीली, लाल और सुनहरिया बूटियाँ मढ़ी हुई हैं। इस मोहरी पर बेलों की बुनाई है जो हीरे के हार के समान दिखाई देती है। इंद्रावती दृढ़ मन से यह शोभा निहार रही है। सुंदर ने सोबे एक जुगते, जण बाजे रसाल, चूड़ केरा छापा अति सोबे, ऊर पर लटके माल। स्वरूप और श्रृंगार की शोभा अत्यंत चारुता से अभिव्यक्त हुई है। ये चूड़ियाँ मधुर झनकार करती हैं और उनमें वेल फूल आदि शोभायमान हैं और गले में माला लटक रही है। प्रणाम जी।